नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय सियाराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी को आज याद होगा, आप सभी को ज्ञात होगा, आप सभी को योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माय डियर फ्रेंड्स, पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। आज योग दिवस क्यों मनाया जा रहा है, इस बात को आप भली भांति जानते होंगे कि आज के टाइम मानव जीवन में योग का कितना महत्व है, योगों को क्यों जागरूक योग के प्रति किया जा रहा है। तो आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग दिवस के उपलक्ष में माय डियर कुछ बातें अपन यहां पर करने वाले हैं, यहां पर कुछ चीजें अपन देखेंगे क्या क्या यहां पर बातें हैं। तो आप सभी को योग दिवस की, योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वो कहते हैं, सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग, निकट ना आएगा कभी आपके कोई रोग। अगर आप सुबह और शाम, अगर कोई सा भी टाइम हो, अगर आप योग करते हो तो कोई सा भी रोग आपके करीब नहीं आएगा। योगा हमें वो ऊर्जा प्रदान करता है जो हमें हजारों बीमारियों से क्या होता है, बचाता है। तो योग दिवस के बारे में माय डियर यहां पर अपन बात करेंगे, कुछ छोटी छोटी बातों पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार जो योग दिवस आपका मनाया गया है तो उसके ऊपर क्या कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोविड-19 महामारी के बीच योग को आशा की किरण बताया है। यहाँ पर माय डियर जो प्रधानमंत्री के जो शब्द योग दिवस के ऊपर थे, वो क्या थे कि जो आपकी महामारी का ये जो समय चल रहा है, योग को इस समय में आशा की एक नई किरण बताया है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 7वां संस्करण है। इस बार जो योग दिवस आपका मनाया जा रहा है उसका कौन सा संस्करण है, 7वां संस्करण है। इस बार योग दिवस की थीम आपकी क्या है, योगा फॉर वेल बींग, वेलनेस रखी गई है। इस बार योग दिवस की थीम क्या है आपकी, योगा फॉर वेल बींग, वेलनेस रखी गई है। तो ये इस बार की जो आपकी थीम रखी गई है, ये सभी को याद होना चाहिए। तो इस बार की आपकी थीम क्या रखी गई है, योगा फॉर वेल बींग यानी वेलनेस रखी गई है। अब देखो, इस बार जो आपका योगा दिवस मनाया गया है, इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एम योगा ऐप भी लॉन्च किया है जो दुनिया भर में उपलब्ध होगा। एक ऐप लॉन्च किया गया है जो दुनिया भर में उपलब्ध होगा, एम योगा ऐप लॉन्च किया गया है जो दुनिया भर में आपका क्या रहेगा, उपलब्ध रहेगा। और इस ऐप को WHO के सहयोग से विकसित किया गया है, जिसमें दुनिया भर के लोगों के लिए विभिन्न भाषाओं में योग से जुड़े प्रशिक्षण वीडियो उपलब्ध होंगे। अब ये जो ऐप बनाया गया है, ये WHO के सहयोग से बनाया गया है, और इसी ऐप पर अलग अलग भाषाओं में योग प्रशिक्षण के वीडियो उपलब्ध रहेंगे जो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भाषाओं में सीख सकता है। पीएम मोदी ने और क्या कहा है, पीएम मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बीच योग लोगों के बीच आंतरिक शक्ति का स्रोत बनाए और उनमें विश्वास पैदा हुआ है कि वे वायरस से लड़ सकते हैं। योग के द्वारा लोगों को क्या मिलती है, आंतरिक शक्ति मिलती है, और आंतरिक शक्ति का क्या होता है, विकसित होती है, और उन्होंने लोगों के बीच में विश्वास पैदा हुआ है कि वे वायरस से लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मोदी ने भी ये बात कही है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात कही है, और इस बात को आप भी भली भांति जानते होंगे। उनके मुताबिक एम योगा ऐप वन वर्ल्ड ऐप, यहां पर ये देखेंगे प्रधानमंत्री जी के मुताबिक, यहां पर माय डियर बात करें, एम योगा ऐप वन वर्ल्ड वन हेल्थ के आदर्श को, वाक्य को हासिल करने में मदद करेगा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, इससे क्या फायदा होगा कि एम योगा योग जो उन्होंने अभी लॉन्च किए हैं, इससे क्या होगा, वन वर्ल्ड वन हेल्थ के आदर्श को, वाक्य को हासिल करने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये योग दिवस क्यों मनाया जाता है और आज के टाइम इस आधुनिक समय में योग कितना जरूरी हो गया, इसको आप भली भांति जान सकते हो, आप भली भांति समझ सकते हो कि आज के समय आपका योग कितना जरूरी है। क्योंकि आज के समय वापिस लोग योग की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि योग के द्वारा बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनको खत्म किया जा सकता है, जिनको क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। देखो ये डायग्राम, एक चित्र है आपके सामने योग करते हुए, लेकिन ये क्लियर आपका नहीं आ रहा। अब योग की कुछ बातें अपन कर देते हैं, सभी एक बार कमेंट करके बताएंगे। जैसे यहां पर कुछ जानकारी आपको दी हुई है,
भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग कब मनाया गया था? सभी आंसर देंगे कि भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। सभी आंसर माय डियर देंगे तो भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, कब मनाया गया था एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे। 21 जून 2015 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो ये आपको याद होना चाहिए कि भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, 21 जून 2015 को। बस इतना आपको ध्यान रखना है, कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को मनाया गया था। अब चलो देखें आगे कुछ जानकारियां, कुछ क्वेश्चन के रूप में जानकारियां अपन लेंगे और यहां पर आप आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है भाई? 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। 21 जून ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन होता है और 21 जून कैलेंडर वर्ष में सबसे लंबा दिन होता है। तो यहां पर ये दोनों ही बातें अपने आप में क्या है, सही है। दोनों ही बातें आप अपने आप में क्या है, सही है। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा कि 21 जून ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन होता है, बिल्कुल होता है, और 21 जून कैलेंडर में वर्ष में सबसे लंबा दिन होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां पर माय डियर बात इसी आधार पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो यहां पर बात करें तो पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन आपके क्या होंगे, सही होंगे। इतनी जानकारी अगर आपको मिल गई है, इतनी चीजों की थोड़ी थोड़ी जानकारी अगर आपको मिल रही है, तो यहां पर माय डियर अगला एक जानकारी और आपको दी जा रही है। योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है, योग के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, या योग के पिता के रूप में किसे माना जाता है? एक बार कमेंट करके सभी साथी बताएंगे कि योग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया है आपको पतंजलि, दूसरा दिया है शिव, तीसरा दिया है आपको ब्रह्मा और चौथा दिया है आपको मिरुमा लालाई कृष्णमाचार्य। तो यहां पर माय डियर वो बात कर रहा है कि योग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि योग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। अगर आपको ये ज्ञात हो तो किसे जाना जाता है, शिव को जाना जाता है। योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है, शिव को जाना जाता है। तो योग के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, शिव को जाना जाता है। ये चीजें आपको याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी योग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। यहां पर माय डियर दिया हुआ है, ए मानव अपने जीवन में यदि नित्यवृत्ति करोगे योगा तो यहां पर बिना रुपया खर्च के रहोगे आप मस्त बिंदास। ये इसका भावार्थ था, ये पूरा आपका दिखाई नहीं दे रहा। अगला माय डियर बात करें किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है। यहां पर माय डियर एक बार सभी साथी आंसर देंगे किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है। तो एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं कि किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है, कौन सा वेद है जिसमें योग के बारे में उल्लेख मिलता है। तो कौन से वेद में यहां पर योग के बारे में उल्लेख मिलता है, ऋग वेद में। ऋग वेद में यहां पर माय डियर बात करें तो योग के बारे में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। आप यहां पर सब्जेक्ट पढ़ते भी होंगे और वहां पर आपने पढ़ा भी होगा कि किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है, कौन से वेद में मिलता है भाई, ऋग वेद में मिलता है। कौन से वेद में मिलता है, ऋग वेद में। अगली माय डियर बात करें तो देखो एक और छोटी सी चीज आपके सामने ये दी हुई है, किस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो यहां पर ये आपको भलीभांति ज्ञात भी होगा और इसको आपको जानते भी होंगे, किस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो सभी एक बार कमेंट करके बता दें कि कौन सा कार्यक्रम था जिसको गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया था। आपको भलीभांति ज्ञात होना चाहिए, ज्यादा पुरानी बात आपके सामने नहीं है, हो सकता है आपके आंखों के सामने की बात हो। तो यहां पर माय डियर आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन दिया है आपको 21 जून 2015, दूसरा ऑप्शन दिया है 21 जून 2014 और तीसरा ऑप्शन दिया है 21 जून 2016 और अगला ऑप्शन दिया है आपको इनमें से कोई नहीं।
एक बार कमेंट करके सभी साथी बताएंगे कि कौन से कार्यक्रम को यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका 21 जून 2015, कौन सा ऑप्शन आएगा आपका 21 जून 2015। क्लियर है? तो देखो ये छोटी छोटी जानकारी है जो आपको भली भांति अच्छी तरीके से ज्ञात होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का जो उत्सव मनाया जाता है वो किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। यहां पर ऑप्शन आपको चार दिए हुए हैं, आयुष मंत्रालय, ये नगर विमान मंत्रालय, संचार मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। तो यहां पर इनमें चारों ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा यहां पर आयोजित किया जाता है। कौन से मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? आयुष मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको यहां पर याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में ये छोटी छोटी बातें कभी कभी कर देता है। अगली माइडियर यहां पर बात कर रहा है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, कि जो योग शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आप लोग भली भांति इस चीज को जानते होंगे कि योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सी भाषा से हुई है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, हिंदी, संस्कृत, फारसी और तुर्की। तो यहां पर माइडियर आप बताएं योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कौन सी भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है। तो योग शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है। अगली माइडियर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखें, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपके सामने में लेकर आया हूं और आपको भली भांति ज्ञात भी होगा। योग शब्द का उद्भव किस शब्द से हुआ है, कि यानी योग शब्द का जो उद्भव हुआ है वो किस शब्द से हुआ है। योग शब्द का उद्भव किस शब्द से हुआ है, ये उद्भव लिखा हुआ है, यहां पर शब्द आपका क्या होना चाहिए, उद्भव होना चाहिए। तो योग शब्द का उद्भव किस शब्द से हुआ है। चार ऑप्शन माय डियर आपको दिए हुए हैं, युग दिया हुआ है, प्रजे दिया हुआ है, यूज दिया हुआ है और योग्य दिया हुआ है। तो आपको यहां पर बताएं कौन से शब्द से यहां पर उद्भव हुआ है, योग शब्द का उद्भव कौन से शब्द से हुआ है, कौन से शब्द से हुआ है, यूज शब्द से हुआ है। कौन से शब्द से हुआ है भाई, यूज शब्द से हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इनको आपके सामने लाने का एक छोटा सा मकसद ये था कि इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और इनके बारे में अगर एग्जाम में बात करता है तो आपको वहां पर इन चीजों पे गलती कतई ना करें। अगली माइडियर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, यहां पर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। अब उसने पूछा है कि यूज शब्द का अर्थ है, इस शब्द का अर्थ क्या है। यहां पर भाई उसकी उत्पत्ति तो इससे हुई है, लेकिन यहां पर माय डियर बात कर रहा है कि शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि इस शब्द का आपका अर्थ क्या है, सूर्य, प्रकाश, संयोग और वियोग। तो यूज शब्द का जो अर्थ है वो आपका क्या है, तो यहां पर माय डियर इस शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, आपका संयोग है। क्या है इसका अर्थ, यूज शब्द का जो अर्थ है वो आपका क्या है, संयोग है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका माय डियर आपको ध्यान रखना है। अगला यहां पर माय डियर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एक बार पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करें। योग समाधि है ये कथन किसका है, योग क्या है, समाधि है ये कथन किसका है। तो एक बार सभी साथी बताएं कि योग समाधि है ये कथन किसका है, ये वाक्य किसने बोला है। एक ऑप्शन दिया है वेदव्यास, पतंजलि, कालिदास और वाणिनी। यहां पर माय डियर बात करें तो यहां पर आपका क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, पाणिनी। तो यहां पर योग समाधि है ये कथन किसका है, तो माय डियर आपको भली भांति ज्ञात होगा ये कथन किसका था, वेद व्यास जी का था। किसका था ये कथन, आपका वेद व्यास जी का था। तो योग समाधि ये कथन किसका था, वेद व्यास जी का था। तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है, और इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो यहां पर ये चीजें आपकी जिंदगी में काम आएगी। ये बात कर रहा है योग मनुष्य के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाता है। तो ये योग है ये कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि इस टाइम जो आधुनिक माहौल आपका बन चुका है,
फिर भी वापिस मानव को योग की तरफ क्यों लौटना पड़ रहा है? तो योग का महत्व आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि चीजें इतनी आधुनिक होने के बावजूद भी वापिस योग की तरफ ये संसार क्यों जा रहा है। तो योग का आपकी जिंदगी में बड़ा महत्व है, और जिंदगी में अगर महत्व है तो इसके महत्व को आपको समझना पड़ेगा। और इस समय आप योग के महत्व को समझ भी गए होंगे। यहां पर आइडिया बात करें तो अगला आपको दिया है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो आपका कब मनाया गया था? एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को पहला आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ज्ञान होना चाहिए। अगला आइडिया आपको दिया हुआ है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में विश्व के कितने देशों ने मनाया था? तो यहां पर बात करा, जब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था तो वो कितने देशों ने मनाया था या कितने देशों ने इस परंपरा में शामिल हुए थे? तो यहां पर माइडिया बात करें तो विश्व में जो पहला योग दिवस मनाया गया था उसमें विश्व के कितने देशों ने मनाया था? 192 देशों ने मनाया था। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपकी जिंदगी में काम आने वाली हैं। अगला माइडियर आपको ये दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो 2019 की थीम आपकी क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। क्या थी थीम? क्लाइमेट एक्शन। तो 2021 की थीम भी आपको ध्यान रखना है और 2019 की थीम भी आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 की थीम आपकी क्या थी? क्लाइमेट एक्शन थी। क्या थी? क्लाइमेट एक्शन थी। तो आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आपने अपने योग दिवस मनाया होगा। और योग दिवस ऐसा नहीं है कि योग दिवस ऐसा नहीं मनाना कि आज आपने बढ़िया सी व्यवस्था करी और एक बढ़िया सा फोटो खींचा और फोटो को स्टेटस पे लगा दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, एफबी पे डाल दिया, इंस्टा पर डाल दिया और योग दिवस मन गया, अब देखेंगे अगले साल जाके। ऐसा नहीं करना है। आपको योग के साथ जुड़ना है, क्योंकि इसके आपकी जिंदगी में बहुत सारे फायदे हैं। आपको बीमारियों से ये दूर रखेगा अगर डेली रूटीन में आप क्या करते हो? योग करते हो। तो आज अपने आप से आप वादा करें कि डेली अपनी जिंदगी के 24 घंटे में से आप आधा घंटा योग के लिए निकालें, और रेगुलर आप क्या करें? योग करें। इससे आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि यार आज योग दिवस है और योग दिवस में आपने बढ़िया फोटो खींची और साहब योग दिवस मन गया, आप अगले साल मनाएंगे। ऐसा आइडिया आपको नहीं करना है। फिर योग को दिवस मनाने का कोई भी फायदा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी डेली जो योग है उसको आपके डेली रूटीन में क्या करोगे? शामिल करोगे, ताकि आप जिंदगी में मस्त रहें और रोगों से क्या रहें? दूर रहें, हंसते रहें, खुश रहें, मस्त बिंदास जिंदगी आपको जीना है। पढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिनको भी आपको जिंदगी में साथ जोड़ना होता है। तो आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।